अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का आखिर मकदम है। वैसे तो रोजाना कुछ ना कुछ खबर आती है जिस पर तबसरे होते भी देखे जाते, लेकिन सरकारी मीडिया कुछ खास खबरों को चलाती है, ये अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। हमने दिल्ली के उस कत्ल का भी तबसरा किया था जिसने नशे में अपने ही घर के चार लोगों का कत्ल किया था, लेकिन इसको ज्यादा नहीं दिखाया गया क्योंकि यहाँ हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं था। लेकिन श्रद्धा आफ्ताब पुना वाला मामला अब भी थमने को तैयार नहीं, अब तो इसने गुजरात की सियासत में ही एंट्री ले ली है। बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गुजरात में फिर से उसी नफरती एजेंडे को चलाने का फरमान मरकजी हुकूमत सरकारी एजेंसियों को हिदायत दी गई है। मीडिया जहां गुजरात में रिपोर्टिंग को जा रही है, वहां सिर्फ आफ्ताब के मामले को उछालने का काम कर रही है। खैर, एक तरफ पिछले कई दिनों से आफ्ताब मामला मीडिया में बतौर नैरेटिव चला जा रहा है। क्या भाजपा लीडरों ने शर्मनाक हरकते अंजाम नहीं दी? हाथरस उन्नाव में कौन मुलविस थे? कितने असमत रेजी मामले में अपने आप को राष्ट्रवादी और देशभक्त कहने वाले भाजपाई मुलविस नहीं थे? अंकिता भंडारी का मामला क्या था? बिल्किस बानो नरोदा पाटिया का कत्लेआम, यहां तक कि हाल ही में गरबा के नाम पर अकलियतों को किस तरह पीटा गया? क्या इनके अखलाक की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह एक समाज को कटघरे में खड़ा करने की बार बार कोशिश की जाती है? लेकिन दूसरी तरफ हकीकत भी है जो ना तो लोगों को नजर आ रही है या तो फिर लोग देखना नहीं चाहते। यूं कहिए कि बड़े ही मुनज़्ज़म अंदाज में आंखों पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। पहले एक अहम वाकये का जिक्र करते हैं क्योंकि इन वाकियात का जिक्र उमूमन नहीं किया जाता, इसलिए हम करते हैं क्योंकि यहाँ उनके मिजाज के मुताबिक नैरेटिव सेट नहीं किया जा सकता, लिहाजा हम उस मामले को आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। मामला उदयपुर का है। इससे पहले भी उदयपुर का कत्ल मामला इसी तरह से बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया था। आपको याद होगा कि जिस टेलर का कत्ल किया गया था, जाहिर है जहां मुजरिम मुसलमान हो तो मामला यूं ही बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। हमने इससे पहले भी कहा था कि जुर्म का कोई मजहब नहीं होता। खैर, उदयपुर में एक ढोंगी तांत्रिक ने नाजायज ताल्लुकात में रहने वाले मर्द औरत का कत्ल इस तांत्रिक ने किया। पुलिस को सुराग नहीं मिल रहा था, कयास ये भी लगाया जा रहा था कि हॉनर किलिंग या फिर इश्क माशूकी का मामला हो सकता है, लेकिन इसके पीछे भगवा कपड़े पहने एक ढोंगी तांत्रिक निकला। इसने बड़े ही बेरहमी से इन दोनों के कत्ल को अंजाम दिया। इतनी शर्मनाक हरकत को इस ढोंगी तांत्रिक ने अंजाम दिया कि जिसे अल्फाजों में बयान नहीं किया जा सकता। तकरीबन 50 से भी जायद फेविक्विक के बोतलों को राहुल और सोनिया को गलत काम करते वक्त उंडेल दिया ताकि इनकी लाशें बराना हालत में बरामद की जाए। इतला के मुताबिक राहुल का अपनी बीवी के साथ अक्सर झगड़ा हुआ करता था, लिहाजा राहुल और सोनू के नाजायज ताल्लुकात थे। राहुल की बीवी ने इस मामले में तांत्रिक यानी ढोंगी बाबा की मदद ली और भगवा लिबास पहनकर सत्यासत्य की बात करने वाले तांत्रिक ने राहुल और सोनू को धोखे से जंगल में बुलाकर बराना हालत में दोनों को गलत काम करने को लगाया। फिर इन पर 50 बोतल फेविक्विक उंडेल दिया जिससे राहुल और सोनू चिपक गए। भगवा लिबास पहने तांत्रिक ने दोनों को चाकू से मारकर गला काट दिया। सीसीटीवी की मदद से तांत्रिक पकड़ा गया और इसने अपना जुर्म भी कबूल किया। बहरहाल, कहानी बहुत तवील है। क्या इस मामले की कोई चर्चा हो सकती है? हुई है क्या? भगवा लिबास पहनकर जुर्म को अंजाम देने से गलत काम भी सही बन जाता है क्या? किसी जुर्म को उछालने के लिए मुजरिम को किसी और धर्म मजहब का होना जरूरी है? मैं इसी हफ्ते में कई वाक्य पेश आए। इसी तरह एक और तांत्रिक ने बंगाल में कत्ल की वारदात को अंजाम दिया। आज बरेली में एक अहम मुकदमे का फैसला सुनाते हुए अदालत ने तांत्रिक के कहने पर 10 साल के पड़ोस के बच्चे का कत्ल कर खून पीने के जुर्म में औरत को उम्र कैद की सजा सुनाई। वारदात 5 दिसंबर 2017 में पेश आई थी। आज बरेली अदालत ने फैसला सुनाया। क्या इन तमाम वाकियात के पीछे किसी धर्म को जिम्मेदार ठहराना सही होगा? यकीनन नहीं, क्योंकि हमने पहले भी कहा है कि मुजरिम का कोई मजहब नहीं होता। अब जितने भी वाकये देख रहे हैं इसमें भगवा लिबास पहने तांत्रिक ही मुजरिम है। अब क्या भगवा लिबास पहने वालों को एक धर्म को कटघरे में खड़ा करना सही होगा? गुजरात चुनाव में आफ्ताब पूनावाला को इस तरह पेश किया जा रहा है जिस धर्म से यह ताल्लुक रखता है यह इसी तरह सिखाता है। आप अगर सरकार से सवाल या सरकारी सोच और फिक्र से इत्तेफाक नहीं रखोगे तो देश विरोधी साबित किया जाएगा। अब ऋचा चड्ढा के ट्वीट पर हंगामा खड़ा किया जा रहा है।
ऋचा चड्ढा ने उस वक्त अपना ट्वीट किया जिस वक्त मोदी सरकार ने यह कहा कि हम जब चाहे पीओके पर कब्जा कर सकते हैं। इस पर ऋचा चड्ढा ने कहा कि ऋचा चड्ढा एक फिल्मी अदाकारा है, उन्होंने कहा कि गलवान में भारत के जवानों को शहीद किया था, उसे नहीं भूल सकते। खैर, अब इस पर हंगामा बरपा किया जा रहा है। खुद कनाडा की शहरियत कबूल करने वाला अक्षय कुमार भी ऋचा चड्ढा पर जवाब देने के लिए उतर आया। अक्षय कुमार ने हमारी आर्मी के खिलाफ इस तरह कहना अफसोसनाक का है, लिहाजा सवाल तो ये भी उठता है कि भारत की शहरियत को छोड़कर कनाडा की शहरियत कबूल करने वाले अक्षय कुमार आखिर किस मुल्क की आर्मी की बात कर रहे हैं, क्योंकि अक्षय कुमार भारत के तो है ही नहीं। लिहाजा कांग्रेस ने भी इस पर अपना जवाब देते हुए ऋचा चड्ढा के ट्वीट की हिमायत की है। एक और ताज्जुब की बात यह भी है कि पिछले 27 सालों से गुजरात में भाजपा की ही हुकूमत है, लेकिन वजीर आजम मोदी ने कल बयान में कहा कि गुजरात को तो कांग्रेस ने बर्बाद करके रखा हुआ है, अब इसे क्या कह सकते। हाल ही में मोरबी का पुल गिरा और तमाम मरने वाले गुजराती ही थे, लेकिन आपको कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं मिलेगा। सभी जानते हैं कि गलवान में क्या हुआ था, और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तो कोई भारत की सरजमीन पर दाखिल ही नहीं हुआ और न किसी तरफ फौजियों की शहादत हुई है। लिहाजा गलवान के बाद कई घंटों तक भारत और चीन मुजाकरा करते रहे। अगर भारत की जमीन पर किसी तरह कोई घुसपैठ नहीं की गई थी तो फिर घंटों किस बात का मुजाकरा किया जा रहा था, और 20 फौजियों को किसने मारा। अब तो ये भी साफ हो गया है कि चीन भारत की हजारों किलोमीटर जमीन पर अपना कब्जा जमा चुका है। कहने का मतलब, अपने हिसाब से किसी बात को बढ़ाना और अपने हिसाब से अपने बात को घटाया जाता है। रोजाना कुछ ना कुछ ऐसी खबरें होती हैं जिस पर माशरे में बेदारी लाना जरूरी होता है, पर बेगैरत गोदी मीडिया सिवाय नफरती एजेंडा चलाने के कुछ नहीं करती। लेकिन हम दूसरी तरफ की खबरें चलाते रहेंगे। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। अब एक बार फिर कर्नाटक महाराष्ट्र सरहदी तनाजा बढ़ने के असरात नजर आ रहे हैं। रियासत की वजीर आला बुम्बई ने महाराष्ट्र के सत और सोलापुर के 40 देहातों को कर्नाटक में लाने की बात कही तो महाराष्ट्र ने भी इस पर कड़ा एतराज जताया। लिहाजा आज कर्नाटक महाराष्ट्र बसेस पर इसका असर देखा गया। महाराष्ट्र में कर्नाटक के बसेस को कालिक पोती जा रही थी तो कर्नाटक में महाराष्ट्र के बसेस को कालिक पोतने की वारदातों से आज दोनों रियासतों से किसी तरह की नकल हरकत बसों की नहीं रही। बहरहाल कर्नाटक महाराष्ट्र का तनाजा अब फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज बेलगाम शहर में टेस्ट वेल बेकर्स की 5वीं शाखा इफ्तिताही इजलास अमल में आया। महमूद खलीफा और इब्राहिम बाबा खलीफा ने 1970 में पहली मर्तबा फोर्ट रोड पर टेस्ट वेल बेकर्स के नाम से बेकरी प्रोडक्ट्स को शुरू किया था। बेलगाम शहर में फिलहाल टेस्ट वेल बेकर्स बेलगाम और अतराफ में मारूफ नाम के साथ ऊंचा मुकाम भी हासिल कर चुका है। फोर्ट रोड, आजम नगर, सब्जी मंडी, असद खान सोसाइटी, कारपोरेशन कॉम्प्लेक्स और अब ओल्ड पीबी रोड की इस नई शाखा इफ्तिताही इजलास अमल में आया है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह की
हमारी ये पांचवी ब्रांच है। इससे पहले पहली ब्रांच हमारी 1970 में जामा फोर्ट रोड पे चालू हुई थी, जिना चौक पे। उसके बाद में कंटिन्यू चलते रहा, क्वालिटी वगैरह हम लोग मेंटेन करते रहे, लोगों का स्कोप मिला। उसके वजह से हमारी दूसरी दुकान फिर बस स्टैंड के पास चालू हुई, वहाँ भी हमारे को अच्छा सा स्कोप मिला। और हम लोग जितना यह है कि मेहनत के साथ साथ क्वालिटी को भी ये करते हैं और रेट में भी ये नहीं करते ज़्यादातर। वैसे चलते रहा, फिर दूसरे हम लोग बुढ़ा ऑफिस के सामने चालू किए, वहाँ पर हमारा प्रोडक्शन है, फैक्ट्री है, सब कुछ वहाँ पर ही तैयार होता है और मेरी निगरानी में ही तैयार होता है। और बेहतरीन तरीके से हम लोग तैयार करते हैं, बिल्कुल सुपीरियर तरीके से क्वालिटी और बिल्कुल क्लीननेस वगैरह हमारे भट्टी में इतना होता है कि काम ख़त्म होने के बाद में पूरे मशीनरी, ज़मीन वगैरह सब पूरा क्लीन करके जाता है। इसके वजह से लोगों को हमारे को बहुत सपोर्ट मिला है। और मेन बोले तो क्वालिटी हम लोग ये करते हैं, बस अल्लाह का फजल है। आज ये पांचवी ब्रांच है, यहाँ पर भी लोग आ रहे हैं, ओपनिंग हो गई हमारी, अल्लाह का शुक्रिया है। दुआ कीजिए हमारी ये भी ब्रांच कामयाब हो।